स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए मैं हम टॉपिक से। आज मैं फिर से देख के आया एक मूवी, अजय देवगन आर वाधवन ज्योतिका जान के बोड़ी वाला स्टार कास्ट में बनी हुई मूवी जिसका नाम है शैतान। तो सबसे पहले तो बता दूं, अगर ये मूवी कोई हॉरर जॉनर के हिसाब से अगर देखने जा रहा है तो प्लीज मत जाना, बिकॉज इसमें हॉरर नहीं ब्लैक मैजिक एंड थ्रिलर ड्रामा ज्यादा है। पूरी मूवी बेस करती है एक रात की स्टोरी पे जो आपको एक्शन एंड एडवेंचर से भर देती है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको जगह जगह पे दिखते हैं। सबसे बढ़िया जो इम्पैक्ट एक हॉरर मूवी या एक थ्रिलर मूवी का होता है वो होता है उसका बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। इस मूवी में भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। तो ज्यादातर अगर देखोगे तो अजय देवगन एंड आर माधवन मेजर आपको एक कह सकते हो एक्टिंग मशीन के तौर पर दिखाई देंगे, जिन्होंने कूट कूट के एक्टिंग की हुई है। ओवरऑल मेरी तरफ से मुझे मूवी अच्छी लगी। बहुत सारी चीजें हैं जो नई है फॉर द हिंदी सिनेमा, बिकॉज इससे पहले ब्लैक मैजिक पे इस तरीके की मूवी बहुत रेयरली हमने देखी होगी। तो ये एक नया माइलस्टोन या नया ओपन गेट है इस जॉनर के लिए। कहते हैं ना भाई कि अजय देवगन अगर कोई मूवी को रीमेक कर रहा है तो उसमें उनका अपना तड़का जरूर लगा देते हैं, तो ये चीज इसमें भी शामिल है। क्योंकि मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन One eternity later. मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन वश देखा हुआ है, जिसके अंदर अगर देखोगे तो स्टोरी इससे थोड़ी सी अलग है एंड बहुत सारी अलग तरीके से इसको दिखाया गया है। एंड ट्रस्ट में जितना भी आपने ट्रेलर में सीन्स देखे हैं वो आपको स्टार्टिंग के हार्डली मतलब दो एक घंटे के आसपास में ही पूरी दिखा दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मूवी में आप नया एक्सप्लोर करोगे। प्लस सिनेमेटोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन, कलर पहले मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। मूवी अच्छी है, नए जॉनर पे बेस है, अच्छी खासी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। एंड क्लाइमैक्स इसका एक सवाल छोड़ के जाता है हम सबके लिए कि आखिर में शैतान कौन, क्योंकि जो क्लाइमैक्स है उसका सीन आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान कौन होता है। इससे बेस्ट मुझे ये लगा कि भाई आर माधवन चुम्मा, भाई आर माधवन जैसी एक्टिंग मुझे नहीं लगता और कोई इसमें कर पाएगा। बिकॉज जरूरी नहीं है कि तांत्रिक या एक ब्लैक मैजिशियन हमेशा लंबे बाल, सफेद लंबे बाल, काले कपड़े, माला और रुद्राक्ष पहन के घूमे तो ही वो एक ब्लैक मैजिशियन है। आर माधवन हमें दिखाते हैं कि एक अर्बन में रहने वाला बंदा भी ब्लैक मैजिशियन हो सकता है, जो अपने टाइम पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा, बट एक नॉर्मल लाइफ विद अ नॉर्मल यू नो कपड़े के साथ वो जी सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही यूनिक है। स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है एक हल्के फुल्के फैमिली मोमेंट्स के साथ, जहाँ पे एक फैमिली अपने घर से अपने फार्म हाउस की तरफ जा रही है और रास्ते में उनको मिल जाता है शैतान, यानी कि आर माधवन, जो वशीकरण का एक्सपर्ट या तांत्रिक होता है, और वो वशीकरण में ले लेता है अजय देवगन की डॉटर को। और जो स्टोरी है भाई वही से शुरू होती है, वहां से जब आप देखोगे तो इंटरेस्ट आपका बिल्ट होना शुरू होता है। स्लो पेस से धीरे धीरे पेस अपना आगे बढ़ाते हुए स्टोरी एंड में किस तरीके से खत्म होगी वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि ये ट्विस्ट यहाँ पे आ जाएगा, बट वो ट्विस्ट वहां पे आ गया। ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को मैं दूंगा 3 out of 5 स्टार्स। आप इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं देख पाए होंगे, बिकॉज इसीलिए मेरा रिव्यू देख रहे हो, बट जो भी शो आपको मिले आप जा सकते हो, मजा आए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने ऑलरेडी शैतान देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि शैतान कैसी लगी। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।